गुरुवार को सदन की कार्यवाही के दौरान काफी हंगामा हुआ। झारखंड विधानसभा में इरफान अंसारी को सदन में ही बीजेपी विधायक शशिभूषण मेहता मारने के लिए दौड़े, लेकिन कांग्रेसी विधायक उमा शंकर अकेला ने बीच बचाव किया। अगर कांग्रेसी विधायक उमा शंकर अकेला नहीं रोकते तो मुक्का चल ही गया होता। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही इरफान अंसारी के बयान, आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है, बवाल मच गया। मेहता ने कहा कि सदन में कान पकड़कर इरफान अंसारी माफी मांगे, ऐसा नहीं करने पर मैं उनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मंदिर में जाते हैं, चुनरी ओढ़कर ड्रामा करते हैं, टीका मिटाते हैं। इसके बाद जैसे ही इरफान सदन के अंदर आए, मेहता बाय चढ़ाते हुए इरफान की ओर इशारा करते हुए बोले कि आओ इधर आओ, और मारने के लिए दौड़ पड़े। यस, अब देख अपने आसन से स्पीकर रविंद्रनाथ महतो खड़े हो गए। शशिभूषण मेहता के रवैये को देखते हुए स्पीकर ने गुस्से में कहा कि सदन अखाड़ा है क्या। मार्शल की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें बाहर निकालिए, संसदीय मर्यादा नहीं समझते हैं, खुद को पढ़ा लिखा बोलते हैं और बोलने का तरीका नहीं है, आदिवासी इतना तेज कैसे हो सकता है वाले पर बयान पर इरफान ने माफी मांगी। एक दिन पहले परसों कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश है बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ में आदिवासी समुदाय के अपमान से इन्होंने बोला है। हम चाहते हैं कि सदन में कान पकड़ के माफी मांगे, और नहीं तो इनको हम ऐसी की तैसी कर देंगे, माफी नहीं मांगते हैं तो। ये मैं सूचना कहना चाहता हूँ, अगर और ये कभी कभी ये बोलते हैं अभी कभी हिंदू के मंदिर में जा करके ये अब ड्रामा करते हैं, चुंदी ओढ़ के आते हैं, और इसके बाद में टीका लगाने पर टीका पोस्ट करके लगता है कि हम माननीय सदस्य मंदिर में माननीय सदस्य हम माफी आए कान पकड़ के मांगे, और आज सदन में आसन पर जाइए, मान्य सदस्य आसन पर जाइए, आसन पर निकालिए, इसको निकालिए, निकालिए इसको निकालिए। आप पर अखाड़ा है क्या? अखाड़ा है बढ़िए। आप इनको आसन पर ले जाइए, आसन कहाँ रुकेगा, आसन कहाँ रुकेगा, आप बता देता है। इनका आचरण ठीक नहीं है, एक तो वो गलत बयान किया वो सही बात है, और इनका तो सभी गलत आचरण है। ठीक है, बात तो बोले एकदम जोर के मारने के लिए चला जा रहा है, गलत बात है। बढ़े बढ़े आसन पर बढ़े, आसन पर बैठ जाए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए, उनको बैठाइए आसन पर, बढ़ाइए उनको आसन पर बैठाइए, बढ़े अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है, अभी भी हाथ उठा के बात कर रहा है। भाषण पर आचरण नहीं जानता है, संसदीय मर्यादा नहीं समझता है, पढ़े लिखे आदमी बोलता है अपने आप को, एकदम बाहर तान के चला जाता है। आप आसन को चुनौती दे रहे हैं। अरे अरे बोलने ठीक है यार, ठीक है, बोलने का तौर तरीका है, आपने बात रख दिया, हम फिर बात करते हैं, फिर आपका है कि माफी मांगने का, हम फिर आग्रह करेंगे, तो आप एकदम ऐसे करना तरीका नहीं है यार, ऐसा तरीका नहीं है। और एक बात मान्य सदस्य, गलत आचरण बर्दाश्त करने का आदत हमारा नहीं है, एकदम गलत आचरण बर्दाश्त करने का आदत नहीं है। आप बोलिए, बात तरीके से बोलिए, ठीक है, बैठिए बैठिए, हम उनसे बोलवाते हैं, बैठिए मान्य सदस्य, मान्य सदस्य बैठिए, दोनों पक्ष के मान्य सदस्य बैठिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, जिस बात को लेकर तकरार हो रहा है, मैं समझ सकता हूं कि ठीक है अगर इन्होंने कुछ इस प्रकार की बात की है तो वो माफी मांगेगा, वो एक अलग विषय है, लेकिन जिस प्रकार से शशिभूषण मेहता का व्यवहार है, मैंने बाहें कस करके लड़ने का मूड बनाना, हमें लगता है कि ये फक्त लोक परंपरा का सर दो दिन पहले जब सुकार पे डिबेट हो रहा था सर, तो जो बातें मैंने कहा सर, मैं आदिवासी समाज का मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ सर,
मैं आदिवासी समाज को कुछ नहीं कहा था सर, फिर भी सर जो बातें सामने आई आपने स्पंज करा दिया। ये बातें सर सदन का मामला था, फिर भी अगर लगे सदन को सर कुछ गलती हुआ है सर, तो हम सर उसका खेद व्यक्त करते हैं सर।